अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने का साग। ये रहा जो लाई है मेरी सासू माँ अपने गांव से। तो मेरी सासू माँ गांव गई हुई थी, तो तकरीबन साल भर बाद में वो वापस आई हैं। तो हम लोग के लिए वहाँ से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, और ये वहाँ का देसी साग है, चने का साग। तो आज उनकी सासू माँ की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ ये चने का साग। वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखते हैं आज चने का साग बना के कैसा बनता है। तो इसके लिए हमने 2 किलो चने का साग लिया है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, मसाले इसमें कम ही डालते हैं। तो चने का साग बनाने के लिए लिया है मैंने 2 किलो चने का साग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 10 से 15 लहसुन की कली, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर रख दिया है मैंने गैस पे, गैस कर देते हैं चालू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब डाल देते हैं इसमें साग। तो फ्रेंड्स, साग हमने कुकर में डाल दिया है, और इसी में ऊपर से डाल देते हैं हम ये मसाले। तो हम इसमें अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए 4 से 5 सीटी लेंगे, उसके बाद में देखते हैं हमें और कितना गलाना है। तो चलिए कुकर कर देते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद में, 4 से 5 सीटी आ जाए, उसके बाद दिखाते हैं आपको साग। तो चलिए प्यारे बहन भाइयों, देख लेते हैं साग हमारा कितना गला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें साग में अभी कसर है। तो ये देखिए, अभी हम इसे रई से थोड़ी देर घोटेंगे। इसमें हमने आलन भी लगाया है, 1 चम्मच बेसन लिया था, उसमें पानी डालकर घोल बना के इसे हमने साग में डाल दिया। तो इसके डालने से साग माशाल्लाह से बहुत जल्दी गलता है। तो चलिए इसको घोट लेते हैं थोड़ी देर। तो ये देखिए प्यारे बहन भाइयों, साग हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया। ये देखिए, तो ये बिल्कुल तैयार है। इधर मैंने तड़का तैयार कर लिया है, इसमें मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 4 से 5 साबुत लाल मिर्च। तो अब हम इसमें ये तड़का लगा रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये देखें साग हमारा पूरी तरह से बनकर हो गया तैयार, और अब हम लगा देते हैं इस पर ढक्कन। तो आज की आपको मेरी चने के साग की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।